वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम जून में रवाना होने वाली है इंग्लैंड के लिए, जहां इंग्लैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ उसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलना है। इसके बाद अगस्त में इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होनी है, जिसके लिए भारतीय टीम की घोषणा भी कर दी गई है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि भारतीय टीम इंग्लैंड में ही रहेगी सितंबर महीने तक, तो आप गलत हैं। आपको इस बीच श्रीलंका में 5 T20 और 3 वनडे मैच की सीरीज का लुत्फ मिल सकता है। ये कैसे मिलेगा, हम आपको बता दे रहे हैं। BCCI की तरफ से BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इसके संकेत दे दिया, हालांकि अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया क्योंकि कैलेंडर काफी बिजी है टीम इंडिया का। लेकिन माना जा रहा है कि टीम श्रीलंका जाएगी और 5 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। BCCI की कोशिश यह है कि अक्टूबर में जब T20 वर्ल्ड कप होगा, उससे पहले खिलाड़ियों को तैयार कर लिया जाए। हालांकि इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम को केवल 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जो प्लेयर शामिल नहीं किए गए हैं और जो व्हाइट बॉल के स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि शिखर धवन, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, युजवेंद्र चहल, इन खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप से पहले तैयार किया जा रहा है T20 वर्ल्ड कप के लिए। हो सकता है कि इस तैयारी में इन प्लेयर्स का नाम शामिल हो जाए और इन प्लेयर्स को श्रीलंका दौरे पर भेजा जाए। BCCI के सूत्र बता रहे हैं कि श्रीलंका दौरे पर वनडे और T20 सीरीज के लिए युवा प्लेयर्स को ही मौका मिलेगा, क्योंकि इंग्लैंड दौरे पर बिजी होने की वजह से रोहित शर्मा, विराट कोहली सहित जो टॉप प्लेयर्स हैं जो इस वक्त टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, वो इंग्लैंड दौरे पर होंगे। इसलिए वो ऐसे कई खिलाड़ी होंगे, प्लेयर होंगे, जो टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे इंग्लैंड में होने की वजह से। इंग्लैंड दौरे में शामिल रहे राहुल तेवतिया, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव को भी श्रीलंका के लिए मौका मिल सकता है, श्रीलंका में होने वाले T20 के लिए मौका मिल सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने अपने खेल से इस IPL में सबका मनोरंजन किया है, इसलिए लगातार मांग उठ रही थी कि ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को मौका मिले। याद रखिए कि इसमें एक और नाम है जो आपको देखने के लिए नहीं मिला था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, और वो नाम है पृथ्वी शॉ का। तो पृथ्वी शॉ भी श्रीलंका में होने वाले T20 और वनडे सीरीज के लिए जा सकते हैं।